इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त हो गया है देश की बात का। देश में जाति जनगणना की मांग विपक्ष तेजी से कर रहा है। एक तरफ जहां बिहार में जातीय जनगणना करवाकर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित प्रियंका गांधी ने भी जीत के बाद जातीय जनगणना करवाने का दम भरा है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से CWOC की मीटिंग में जातीय जनगणना पर सहमति जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर हम बीजेपी पर भी दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल जातिगत जनगणना के साथ है। आपको बता दें कि विपक्ष जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्या जातीय जनगणना से विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है? आखिर बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर आपत्ति क्यों जता रही है? वहीं CWOC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनवाते हैं। हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनैनिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया, तो काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूं? तो जातीय जनगणना पर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना का चुनावी कार्ड लगातार खेला जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है बिहार से। नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा चुके हैं, हालांकि वो महज एक सर्वे है जिसका अधिकार हर किसी को है और सर्वे के आधार पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है वो जातीय जनगणना करा दी है और हम इसके पक्ष में हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों का विकास हो सके, उनको उनके अधिकार मिल सके। जातिगत जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि जातीय जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी भी जातीय जनगणना को लेकर सोचने पर मजबूर नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज राय जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। तारिक खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी, कांग्रेस लगातार, ठीक है मैं इसे ठीक कराती हूँ, अभी मैं अपनी टीम को बोलती हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से निकाले। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ये बताइए। अनिल जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी अनिल जी, जातीय जनगणना, हाँ जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि हम अगर रिपीट करते हैं सरकार तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। 2011 की बात है, तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो फिर क्यों उसके आंकड़े सामने नहीं लाए गए? काजोल जी, 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसमें कुछ कमियां रही होंगी, इसकी वजह से वो नहीं हो पाए। ठीक है, आज समय की आवश्यकता है जातिगत जनगणना की। हर प्रदेश की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और इसका जो है जितने भी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है देखने को मिलता है सारे वीडियो जहां लोगों के मीडिया पहुंचती है लोगों के बीच में, लोगों की जो मांग उठ रही है वो जातीय जनगणना की मांग उठ रही है बार बार। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम, अगर आवश्यकता है तो करानी चाहिए। और राहुल जी ने कहा है और कांग्रेस की भी डिमांड है, जहां भी हमारी सरकार होगी वहां हम जातिगत जनगणना कराएं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस भी तो इतने सालों तक रही ना सत्ता में, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना? मैंने कहा ना समय के अनुसार आवश्यकता होती है उस हिसाब से होता। 2011 में कराई, कुछ कमियां रह गई होंगी जिसकी वजह से पूरी तरह नहीं हो पाई थी।
तो उसके बाद 14 में सरकार चली गई। कमी दूर करने में इतना समय लग गया क्या सर? जी अनिल जी, कमी दूर करने में इतना समय लग गया? देखिए जाति जनगणना और वैसी जनगणना जो हुई उसमें आपको मालूम होगा 2011 में जनगणना थी उसको पूरी तरह प्रसारित नहीं हो पाए। उसमें जनगणना कमी छुपाने की कोशिश मत करिए, कमी छुपाने की कोशिश मत करिए। रजनीश राय जी, ये जो पूरा जाति जनगणना को लेकर हो हुल्ला मचा हुआ है, जातीय जनगणना जरूरी है ताकि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो सामने आ सके, उन तक तमाम अधिकार पहुंच सके। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार ने कोशिश नहीं की ऐसे लोगों के पास जाने की, सरकार ने भरपूर कोशिश की है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन सरकार अब पीछे क्यों हट रही है? देखिए बहुत स्पष्ट है अभी, क्योंकि मैं कुछ कहता उससे पहले ही आपने मेरा ही सवाल आपने पूछ दिया था, तो इसलिए मेरे उस सवाल को तो कम से कम मैं नहीं करूं तो ज्यादा उचित होगा कि जब अवसर था या जहां जहां अवसर मिला था वहां वहां आपने कुछ नहीं किया, मिलेगा तो ऐसा करेंगे, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, और रह गई बात जातिगत जनगणना को लेकर के, इसको लेकर के कभी बहुत स्पष्ट स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि देश में जनगणना से ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, और चूंकि जनगणना जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जनगणना तो होनी चाहिए जिससे ये पता चलता है कि हमारे हमारे संसाधनों के उपयोग की कितनी आवश्यकता है या हमको अपने संसाधनों को कितने और विकसित करने की आवश्यकता है, इसलिए जनगणना की आवश्यकता है। लेकिन जनगणना का जो नया प्रारूप अन्य जातीय दलों जो अन्य दलों ने द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जातिगत राजनीति करने वाले जितने क्षेत्रीय दल हैं, मैं कहने में बड़ा खेद है इस बात को कि एक बड़ी पार्टी भी कहीं ना कहीं जातीय या क्षेत्रीय मुद्दों में उलझ के रह रही है, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें शायद मैंने रखती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजनाएं बनाती है उसका सिर्फ एक मापदंड होता है। सर्वे में उलझी हुई है, जाति की राजनीति में उलझी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ कि बाकी जितने दल हैं गैर भाजपा दल, सभी जाति की राजनीति में उलझे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जाति के आधार पर कुछ वर्गीकृत करके हम उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी जाति मायने नहीं रखती है। उसने जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जन सामान्य के लिए लाई गई है उसका एकमात्र दृष्टिकोण आर्थिक रहा है। आर्थिक रूप से जो उस आवश्यकता की श्रेणी में आता है, जो उस मापदंड को पूरा करता है, उसके लिए कोई भी योजना बनाई जाती है। ठीक है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत मायने नहीं रखती है। बाकी अगर कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है कि नहीं हम जातिगत जनगणना करा करके हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, तो एक बहुत ठोस सवाल आपके द्वारा ही किया गया है कि जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां आप लोगों को अवसर मिला है, वहां पर आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ठीक है रजनीश। तारिक खान साहब बहुत गहन चिंतन में है, शायद जातीय जनगणना पर ही कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। जातीय जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है, विपक्षी दल कह रहे हैं करवाइए, अभी करवाइए जातीय जनगणना। क्यों भाई? जाति सालों से जाति इतने सालों से क्यों नहीं? मैं सुन एक बात कहना चाहता हूँ, शायद जो बीजेपी के प्रवक्ता है कि जातिगत जनगणना है, इसको कुछ अगर जातिगत जनगणना से भी अहम मुद्दे हैं। शायद मैं ये कह रहा हूँ कि अहम मुद्दे क्या है, ये जातिगत जनगणना से अहम मुद्दे क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला अहम मुद्दा तो इजराइल वाला मामला है, वो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि इजराइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। इस टाइप के मुद्दे या जो छोटे छोटे जैसे एमयू में समर्थन कर दिया उसको बड़ा मुद्दा बनाना, ये इंपॉर्टेंट है।
जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत छोटा मुद्दा है, क्योंकि अभी जो बिहार में जनगणना हुई उसके हिसाब से 62% बैकवर्ड है, उनकी बात करना जरूरी नहीं है, वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद उनकी गिनती ही नहीं हुई कि कितने हैं। जब गिनती नहीं हुई तो आरक्षण किस बात का दे रहे हैं, फिर खत्म कर दीजिए मोहन भागवत साहब की बात को, बंद कर, जब वो कितने हैं ये पता ही नहीं है। इनकी एक बड़ी खास आदत है बीजेपी के लोगों की कि ये इन 70 सालों में कई लोगों की सरकारी रही है, उन्होंने अच्छा भी किया है बुरा भी किया, उसकी सजा लोगों को मिलती रही है, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, उसमें सब शाही शामिल है, आप भी है हम भी है। अभी आपको सत्ता किस लिए दी गई है? अच्छा, आप जाति की बात नहीं करते, अभी प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया और कहा कि वो ओबीसी समाज का उद्धार कर देगी, ये जाति की बात नहीं है, ये जाति की बात नहीं है, ये तो साधारण बात है। बीजेपी अगर जातियों की बात करे तो वो राष्ट्रभक्त है, और अगर विपक्ष कहे जातियों की बात अहमियत रखती है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हमें जातियों की जनगणना करानी क्यों? मैम, सेंसस कराने का अधिकार केंद्र का है, स्टेट का नहीं। स्टेट सर्वे करा सकता है। आपने लोकसभा में मना कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। सेंसस कराने का जो खर्चा है मैम वो 10,000 करोड़ का है, 45,00,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है। आप ये कहते हैं कि ज्यादातर नौकरियां किसी एक विशेष समाज में चली जाती है बैकवर्ड के, जिस समाज से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जब सर्वे होगा, सेंसस होगा, तो घर घर लोग जाएंगे, पूछेंगे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने की शादी हुई, कितने बीमार हैं, किनको शुगर है। साथ में एक सवाल और पूछ लेंगे मैम कि आप बैकवर्ड हैं कि फॉरवर्ड हैं, बस वो इनको इसी से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है मैम, क्यों प्रॉब्लम है? जब हम आरक्षण दे रहे हैं, या तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए मोहन भागवत की बात मानकर, और अगर दे रहे हैं मैम तो कई जातियां जो बैकवर्ड की हैं वो कह रही है कि हम टूटे रह गए, पुनर्विचार कर लीजिए, योजनाओं में परिवर्तन कर लीजिए, आरक्षण में परिवर्तन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मगर जब स्टेटस पता चलेगा तब तो, और केंद्र से जब एक फॉर्मूला तैयार होगा तब तो, ठीक है खान साहब, मगर डर किस बात का ये समझ नहीं आता है। लेकिन डर क्या है, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड में बता दूं कि डर किस बात का है। ये देश को एक लाइन खींचकर उसको धर्म के नाम पर अलग करना चाहे, एक लाइन खींचकर, मगर ये वक्त की जरूरत है कि जातियों की जनगणना हो, क्योंकि हिंदुस्तान की यह सच्चाई है कि यहां पर बहुत सी जातियां रहती, और अगर जातियों की इंपॉर्टेंस न होती तो न बाबा साहब दलितों को आरक्षण दे पाते और न 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिश को माना जाता। इसका मतलब है कि जाति हिंदुस्तान की एक हकीकत है, तो प्रधानमंत्री जो खुद को अपने मुंह से बैकवर्ड कहते हैं, खुद को कर दे बैकवर्ड के लिए। क्या दलित आकर कहता है, ओबीसी आकर कहता है, या फिर जो आदिवासी है ये आकर कहते हैं कि जनगणना कराइए? क्यों तारिक खान साहब ये कहते हैं जनगणना कराइए? इनकी मांग क्या है? समानता का अधिकार, अधिकार मिलना चाहिए हर चीज का। बिल्कुल, तो फिर मैम देखिए खान साहब, एक मिनट, बाबा साहब ये बातें हो गई, ठीक है, ये बात अलग है। आपकी मांग है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जरूरी है, भाई आप क्या शोर तो नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आवाज आ रही है आज क्यों?
आज क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? अगर हम पहले से ही ऐसा करते तो शायद आजादी के 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते थे उन दलितों के लिए, उन शोषितों के लिए, उन वंचितों के लिए। बच्चों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। मैं सहमत आपकी बात से, मैं सहमत हूँ बात, लेकिन मैम उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कॉन्स्ट्रक्टिव बात ना करें, या तो हम बैठ जाएं और या हम ये बात करें कि बैकवर्डों की जो गिनती हुई थी मैम वो 1931 में हुई थी, बीच में बहुत बड़ा कार्यकाल चला गया और कई पार्टियों का, 2011 में कांग्रेस, लेकिन अब अगर उनको आरक्षण देना है तो गिनती करानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, विपक्ष की ये मांग है। अब बीजेपी ये कहती है, माइक ठीक कराइए, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। क्या मेरी तरफ से शोर आ रहा है ज्यादा? बच्चों की आवाजें पीछे से बहुत ज्यादा आ रही हैं। ठीक है रजनीश जी, मेरी आवाज आ रही है रजनीश जी? हाँ जी रजनीश जी, अभी मित्र बता रहे थे, बड़े हाँ। अफसोस की बात है कि ये लोग जिस बैकवर्ड के जनगणना की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में समझिए, जितनी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, सभी दलों ने अपने अपने एक जाति विशेष की राजनीति की है। वो चाहे आप उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल की बात करेंगे, चाहे बिहार में करेंगे, या वैसे ही कमोबेश अन्य जगहों की बात है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में कि जाति एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय राजनीति में, और खास तौर से इस तरफ उत्तर और बिहार की अगर हम बात करें तो, उत्तर प्रदेश और बिहार की सॉरी, लेकिन और इन इस पूरे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जातिगत जनगणना का इनका उद्देश्य क्या है। सिर्फ वो ये जानना चाह रहे हैं, अगर मान ली कोई समाजवादी की बात करेंगे तो समाजवादी का उद्देश्य क्या है कि कितने यादव हैं। ये जिस बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, अगर इनसे ये पूछा जाए कि कितनी योजनाओं को समेकित रूप से आपने बैकवर्डों को ध्यान में रख करके किया है, या उसको उसका कितना प्रतिशत लाभ पूरा बैकवर्ड कम्युनिटी को मिला है, तो आपको परिणाम शून्य मिलेगा। अगर उसका 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 प्रभाव या उसका लाभ की बात आप करेंगे या देखेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज समझ में आएगी कि अगर इनके द्वारा कोई लाभान्वित व्यक्ति होगा या समाज होगा या कोई जाति होगी, वो यादव जाति होगी। ठीक उसी तरह से बहुजन की बात होगी और ठीक उसी तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती है। एक मित्र अभी बात कह रहे थे कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो अभी इजराइल के संदर्भ में ये बात कर रहे थे। मैं खुद पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं खुद पिछड़ी जाति से आता हूँ, क्यों कहा जाता है ये बार-बार? पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़े समाज से आता हूँ। उन्होंने कभी अपने को खुद को लेकर के कभी जाति में बंधन में नहीं बांधा, पिछड़ी में कहा जाति, यही तो हम राजनीति में, कभी उन्होंने पिछड़ी में नहीं बांधा। समझिए ये एक सच्चाई है। मैं अगर रजनीश राय हूं तो मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। ठीक है, मैं अल्पसंख्यक हूं कि बहुसंख्यक हूं, मेरा प्रतिशत कितना है, मेरा कितना अधिकार है या मेरा कितना योगदान है, वो दोनों ही परिस्थितियों को मैं जानता हूं। आप अगर ये कहते हैं कि मैं अगर संवैधानिक रूप से जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, रजनीश राय जी आप कहते हैं कि आप भूमिहार ब्राह्मण हैं, आपको पूरा उस पर आपको गर्व है, ठीक है, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं इस रेखा से नीचे हूँ, मुझे ये अधिकार मिलने चाहिए? हम लोग बात जहाँ कर रहे थे उस संदर्भ में मैंने ये बात कही है। इसको पूरे वैश्विक परिदृश्य में नहीं ले जाना है, ये भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। मैं जो अभी उत्तर प्रदेश और जितनी केंद्रित चर्चा हो रही थी, वही तो बात है ना कि हम केंद्रित चर्चा के क्रम में इस बात को मैंने कहा, लेकिन समझिए जैसे हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, रजनीश राय जी मेरी मुझे एक मिनट समय दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की अगर आप बात देखेंगे, प्रधानमंत्री ने चूंकि जब भी वो बात करते हैं तो संवैधानिक रूप से करते हैं, संवैधानिक रूप से 4-5 श्रेणी क्रम बने हुए हैं, सामान्य पिछड़ा, अति पिछड़ा कह लीजिए, या सामान्य पिछड़ा, दलित और महादलित, इन चार श्रेणी क्रम में संवैधानिक रूप से जब वो बात करते हैं तो अपने को पिछड़ा के रूप में हमेशा परिभाषित करते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम पिछड़ा समाज से हम आते हैं।
लेकिन आप ये कभी भी नहीं देखे होंगे कि कभी भी उन्होंने अपने परिचय के क्रम में उन्होंने ना कभी अपने जाति के रूप में अपना परिचय दिया होगा और न ही किसी योजना को बनाते समय जाति विशेष के लिए कभी कोई योजना बनाई होगी। हम लोग कभी कभी एक माइनॉरिटी के लिए खास योजना नहीं बनाते हैं, हम किसी एक यादव बिरादरी के लिए, हम किसी एक दलित बिरादरी के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। हम संवैधानिक रूप से जो श्रेणी क्रम बना हुआ है, हम किसी भी योजना को लाने की जब स्थिति हमारी बनती है तो हम उसी श्रेणी क्रम में योजना बनाते हैं और उस लाभ के केंद्र में आने वाला हर व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो उसका पूरा पूरा लाभ उसको दिया जाता है। ठीक है, रह गई बात इजराइल के संदर्भ में आप कह रहे थे और एमयू के समर्थन में कह रहे थे, कितनी माने संकीर्ण मानसिकता है। अगर हमारी समझ का स्तर यह है कि नहीं वैश्विक मुद्दों पर भी हम बातचीत कर सकते हैं, तब तो उन विषयों को हमको लाना चाहिए, निश्चित रूप से वो विषय हमारी परिचर्चा के केंद्र में आएंगे। लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि अभी राजनीति की जिस प्राथमिक व्यवस्था में आदमी जी रहा है, अभी प्रदेश की परिस्थितियों को, प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने यही बहुत होगा। हम और आप अभी इसराइल के संदर्भ में किसी चर्चा के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। रजनीश जी ने तो साफ कर दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि सबका विकास होना चाहिए और बीजेपी हमेशा सबका साथ और सबका विकास करती आई है, सबका विश्वास जीती आई है। हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, हमने कभी ऐसी योजना नहीं चलाई जिसमें किसी जाति विशेष का नाम आता हो, किसी एक तबके के लिए हो। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें दरकार है सुविधाओं की, योजनाओं की, परियोजनाओं की, उन लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन आरोप भी लगाए हैं कि विपक्ष हमेशा से ही जातिगत राजनीति करता रहा है, ये जानने के लिए कि हाँ कोई यादव है तो चलिए ठीक है इतना वोट बैंक मेरा हो गया, कोई मुस्लिम है तो चलिए ये हो गया कि इतना वोट बैंक मेरा हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया तो चलिए ये वोट बैंक मेरा हो गया, कोई दलित है तो ये वोट बैंक मेरा, ये जानने की कोशिश विपक्ष करना चाहता है और इस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, गुणा गणित करेगा, फिर इंडिया अलायंस 2024 में देखेगा कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं आवाज नहीं आ रही अनिल जी मेरी? आवाज नहीं आ रही अनिल जी तक, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तारिक खान यही सवाल आपसे है मेरा। जी जी सवाल क्या है जी? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आप दोनों की आवाज तो आवाज नहीं आ रही। आप दोनों की आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अनिल जी मेरी आवाज आ रही है? बहुत हल्की है। अच्छा ठीक है मैं इसे ठीक कराती हूँ। तारिक खान जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर आपका रुक करूंगी। तारिक खान साहब, सीधे तौर पर बीजेपी ने कह दिया है ना, हाँ किया है ना ना किया है, बस बार बार एक ही बात बीजेपी कर रही है कि हमने विकास की विकास का काम किया है, हमने विकास की राजनीति की है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, ना बीजेपी ऐसा करती है। मैम देखिए, बीजेपी कंप्लीटली जातियों को ध्यान में रखकर स्टेप उठाती है। इसका उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। दो बार मैम सीएम बनते हैं और दो डिप्टी सीएम बनते हैं। एक डिप्टी सीएम बैकवर्ड होता है, एक जनरल कैटेगरी का होता है, हर बार दोनों बार। क्या यह जातियों का ख्याल रखना नहीं है? और मैं दावा करता हूं अगर बीजेपी की सरकार बनती आगे भी, आप अभी टर्न आएगा तो बोलिएगा, मैं दावा करता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, यह इस समीकरण से तोड़ नहीं पाए। क्यों? इसका मतलब है कि जातियां आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप करिए, आप किसी को डिप्टी सीएम बनाइए, यह अधिकार निहित है बीजेपी के पास। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी ऐसा करती है। इसका मतलब है कि आप काउंट करते हैं जातियों को, काउंट करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। जब आप योजना बनाते हैं तो आप कहते हैं कि हम ये योजना इनके लिए लेके आए। आप कहते हैं कि आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा। जब बैकवर्ड जब मोहन भागवत साहब कहते हैं तो आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब रियलाइज करते हैं सारी पार्टियां कि 60% वोट बहुत होगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सब कुछ यादवों को मिल जाता है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो जाए तो पता चल जाएगा कि यादव कितने हैं।
और जो बैकवर्ड की जातियां हैं कितनी है। यादों को अधिकारों को कम कर दीजिए, मैं खुद कह रहा हूं एज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी, ठीक कम कर दीजिए अनुपात के हिसाब से, लेकिन पता कैसे चलेगा? आप चाहते हैं कि बगैर पता लगाए कम कर दिया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी मैम, तभी यह चीज होनी चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन के टाइम पे भी 1931 की ये ओबीसी की गणना थी। होनी चाहिए लेकिन हुई क्यों नहीं अभी तक? जब जातीय जनगणना इतनी जरूरी है तो इंतजार इतने दिन क्यों किया? 1931 का जिक्र आप खुद कर रहे हैं लगातार, 2011 का जिक्र कांग्रेस करती है और कहती है कि 2011 में वो पूरी तरह से तैयारी नहीं थी, इसी वजह से हम आंकड़े जारी नहीं कर पाए। तो उसके बाद 2014 में आपकी सत्ता गई है, आपने क्या किया इतने साल? आज आप दम भरते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, शायद जिस तरीके की सोच, मैं तो आपकी सोच पर भी सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि आप जो सोच रहे हैं कि अधिकार मिलने चाहिए सारे, मैं तो उसी के लिए कह रही हूँ कि अधिकार पहले ही मिल जाते आज ये दुर्दशा ना होती। बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने गणना तो इंडिया लाइन साथ है इसलिए। नहीं नहीं मैम, देखिए एक बात बताइए, लाइन जो है कम से कम इतना लाभ तो कांग्रेस को मिल ही रहा है। अच्छा, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे, उन्होंने कहा नहीं कर। मुझे उस सरकार का नाम बताइए आजादी के बाद आज जिसने कहा हो कि हम जातिगत जनगणना। खान साहब, ये आपकी पार्टी वही पार्टी है जो महिला आरक्षण पर आज आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट राय साहब, आज आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कम से कम एक्शन तो लिया, आवाज तो उठाई 2011 में जब महिला आरक्षण की, सुन लीजिए, महिला आरक्षण की बात हुई थी, आप ही की पार्टी थी ना जिसे समर्थन देने से मना कर दिया था। बिल्कुल, तो आप डिमांड पे तो फिर ये तो भी उस पे जगह दे दो, क्या गुनाह कर दिया आपने? बिल्कुल सही आवाज उठाई, बिल्कुल सही आवाज उठाई, इसमें तो कोई दो, मैं तो इस पर बोल ही नहीं रही ना सर कि आपने गलत आवाज उठाई है, आपने सही आवाज उठाई है, लेकिन मुझे एक चीज ये तय करनी है। देखिए, मैं ना सत्ता पक्ष के साथ हूँ ना मैं विपक्ष के साथ हूँ, मुझे तय करना है, मुझे जानना है कि सारी बातें तब की उठती हैं जब चुनाव के 4 महीने रह जाते हैं। मुद्दों पर बात कर लीजिए ना, मुद्दों पर बात नहीं होती, मुद्दे भटक जाते हैं, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं ईडी की छापेमारी हो रही है, कहीं जेल भरो आंदोलन चल रहा है, कहीं ओबीसी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। ओबीसी अभी भी, पहले भी वही ओबीसी थे, आज भी वही ओबीसी है, कुछ बदलाव तो हुआ नहीं होगा उसमें। नहीं बिल्कुल मैम, ओबीसी वही पर है, लेकिन इस बात से, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस बात से ना हम अछूते हो सकते, ना बीजेपी और ना कांग्रेस। मैं प्रैक्टिकल बात करने में ज्यादा यकीन रखता हूँ कि जब चुनाव करीब आता है तभी राजनीतिक मुद्दे गरमाते हैं। तभी तभी बीजेपी भी लेके आई थी महिला बिल, वजह तो यही थी चुनाव की। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, महिला बिल लेके आए, हमने सपोर्ट किया, लेकिन मैम हम गलत तब होते जब हम अपनी उस डिमांड को विदड्रॉ कर लेते, लेकिन आज हम इतने ताकतवर नहीं है। बीजेपी चाहती तो अकेले दम पर उस बिल को पास करा सकती, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जनता को चाहता है। काम कांग्रेस बखूबी कर रही है। खान साहब वापस लौटूंगे आपके पास, अनिल जी से बात नहीं हो पा रही है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, कंफ्यूज करने की स्थिति कब तक बनी रहेगी? कभी हम महिला आरक्षण बिल पर कंफ्यूज करते हैं जनता को, कभी हम जातिगत जनगणना पर कंफ्यूज कर रहे हैं, इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? इंडिया अलायंस एक साथ है, गुट एक साथ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग है, इतना कंफ्यूजन, जनता कैसे समझे कौन उनके हित में है कौन उनके अहित में है, कैसे समझे जनता? एक्चुअल में ये चाहते भी नहीं है कि जनता उनके हित राय साहब आदि या उनके अनिल जी हाँ आदि राय साहब बोल लीजिए, राय जी फिर हम बोलेंगे। नहीं सवाल आपसे है तो आप ही बोलिएगा ना, कांग्रेस का तो आप ही पक्ष रखेंगे, बीजेपी थोड़ी ना रखेगी, सरकार आपकी है, तानाशाही भरपूर चलेगी, है ना? ठीक है बोलिए। इसी तरह के शब्द इस्तेमाल करके आप लोग कब तक अपना बचाव करते रहेंगे? अनिल जी बात रखिए, राय साहब प्रयास मैंने नहीं किया है, कितना झूठ बोलोगे, कब तक देश की जनता को गुमराह करोगे? कोई अतिरिक्त प्रयास मैंने नहीं किया है, अतिक्रमण कब तक बरगलाने का काम करोगे लोगों को?
मुद्दे पर बात करें, मुद्दे नहीं, पर नहीं, बात तो आप की दुकान आप लोगों की बंद हो चुकी है, झूठ की दुकान आप लोगों की बंद हो रही है, इसलिए बौखलाहट हो रही है। जो विषय केंद्रित राय साहब, एक मिनट राय साहब बोल लीजिए, क्योंकि आप तक नहीं बात पहुंच रही थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आर्य राय साहब, आप हाँ, नहीं बात पहुंच रही थी, मैंने बोलना शुरू किया, उससे पहले आप बोलना शुरू किया, बोलिए आप। अनिल जी बोलिए, बोल लीजिए जी, रिपीट करिएगा जरा। अनिल जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जनता को कंफ्यूज करने की स्थिति क्यों बना रखी है कांग्रेस ने। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप बता दीजिए कि आपके यहाँ सचिव कितने रहे हैं, उसमें से ओबीसी कितने हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जगह राहुल गांधी कहते हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि सरकार रिपीट होती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जनगणना आप लोगों ने 2011 में कराई, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ कमी रह गई होगी, वो कमी शायद 3 साल और पूरी नहीं हो पाई तो फिर सत्ता परिवर्तन ही हो गया। ये कमी तो थी, तभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ। बिल्कुल ठीक बात है प्रज्वल जी, कांग्रेस कहीं गुमराह नहीं कर रही किसी को, किसी को असमंजस पर नहीं डाल रही। कांग्रेस ने अगर आवाज उठाई है तो इसका मतलब यह नहीं किसी को कंफ्यूज करना है। जिस प्रकार से सदन के अंदर सचिवों की गिनती में 3 ओबीसी के हैं, अगर यह गणना कराई गई तो क्या गलत है? दूसरी बात, आरक्षण की स्थिति में यूपीए सरकार का सुन लीजिएगा, महिला आरक्षण में सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 को पढ़ लीजिए, उनकी कमियों को समझ लीजिए। जनरल के लिए आपके पास उसमें आरक्षण है, SC ST के लिए आरक्षण है, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए नहीं। अगर ओबीसी माइनॉरिटी का अगर आप समान अधिकार की बात करते, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उस महिला आरक्षण में वो व्यवस्था क्यों नहीं? उस आवाज को उठाना अगर कंफ्यूज करना है तो हम कंफ्यूज बार बार करेंगे। जनता की आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। दूसरी बात रही बात जनगणना की, 2011 में अगर नहीं हो पाई या कुछ कमियां रही तो 2014 में जनता ने हमको नकारा और इनको स्वीकारा, और इनकी सरकार बनने के बाद जिस बुनियाद पर यह सरकार बनी, क्या उस बुनियाद पर यह सरकार पूरी तरह खरी उतरी? मोदी तो गुजरात मॉडल के नाम पर सरकार बनी, NDA के नाम से सरकार बनी, लेकिन NDA के सरकार ने कितना काम किया? गरीबों का कितना उत्पीड़न हुआ? कितना रोजगार दिए गए? 15 लाख खातों में आने थे, कहां आए? इनके नेताओं ने ही खुलेआम मंचों से कह दिया, वो तो चुनावी जुमला था। ये स्थिति पैदा हुई है सरकार में, नाले से गैस निकलती है, शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के कगार पर है, पकौड़े तल लेगा, ये रोजगार दिए जा रहे हैं। जनगणना की बात, तो जनगणना की आवश्यकता अगर है तो जनगणना कराई जाएगी। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, मेन मुद्दों की जो बात है ये नहीं करेंगे। लाखों लोग अगर दिल्ली में एकत्रित होते हैं पुरानी पेंशन को लेकर, तो पुरानी पेंशन ये देना नहीं चाहते, लेकिन अपने इष्ट मित्रों के हजारों करोड़ों के जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। गरीबों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब हो क्या रहा है? नारी उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, उसकी बात ये नहीं करेंगे। जातिगत जनगणना एक बार होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना का ये मतलब नहीं है कि केवल उसमें ओबीसी होंगे। जातिगत जनगणना पर जनरल भी होगा, ओबीसी भी होगा, माइनॉरिटी भी होगा, SC ST भी होगा, आदिवासी भी होगा, सारे लोगों की गणना होगी। और उसके बाद राहुल जी ने यह भी कहा है कि आर्थिक जनगणना भी हम लोग कराएंगे। जातिगत जनगणना फिर आर्थिक जनगणना, ठीक है। रजनीश जी, ये नहीं है कि हम कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। रजनीश जी, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, बस आप ही हैं जो जातीय जनगणना कराने के हित में नहीं है। रही बात धर्म की बात करने वाली, राय साहब से जवाब ले, किस बात पर, किस बात को वापस लेते हैं ये हम लोगों से छुपा नहीं है। भारतीय राजनीति में राहुल जी का योगदान और भारतीय राजनीति में राहुल जी का जो स्टैंड है वो कितना अस्थाई है, इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहूंगा, मित्र को बुरा लग जाएगा। लेकिन अभी आपकी पार्टी के कितने वादे झूठे निकले, आपको भी मालूम होना चाहिए, सब जानते हैं कितने चेहरे हैं, वो भी सब मालूम है, मुखौटे उतर उतर के बता जी। राय साहब, मैं अपनी बात कहूं जी,
अगर कुछ रह गया हो तो आप अपनी बात कर लें, फिर मैं अपनी बात कहिए, आप कहिए, आप ही हमारे बीच में बोलेंगे, हम ना बोलते आपके। नहीं अभी आपने बोला इसलिए, क्योंकि उस समय मैंने बोलना शुरू किया, आप अगर हमारे नेता के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करेंगे तो हम लोग बात कर लें। देखिए एक चीज अभी सपा के प्रवक्ता मित्र ने कहा इस बात को कि अगर मैं जाति को और उसको मैं हम लोग विश्वास नहीं करते या भारतीय जनता पार्टी अगर उसको नहीं मान के चलती तो निश्चित रूप से दो डिप्टी सीएम नहीं रखती। हम लोगों ने ऐसा किया, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्या समाजवादी ऐसा कर सकती है? और अगर कर सकती थी तो उसने क्यों नहीं किया? उसको ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिला है। अगर उसको लग रहा था कि नहीं वो ओबीसी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी अवसर देना चाहिए। हम अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के हर जाति वर्ग में उस जाति वर्ग के लोगों को उसका मजबूत प्रतिनिधित्व देते हैं, अवसर देते हैं कि वो अपने समाज के सभी तरह के हितों की रक्षा कर सके, समाज के हितों की जरूरतों को पूरा कर सके। इस बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसमें अच्छा, किसी भी तरह का कोई खेद नहीं है। रजनी जी एक सवाल, दूसरी चीज, एक सवाल है, आम जनता भी पूछना चाहती है, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी जातीय जनगणना करा लेती है तो इससे क्या बीजेपी का अहित होगा या बीजेपी को डर लग रहा है? देखिए आप लोगों ने, आप ये कहते हैं कि आप लोगों ने काम किया है, तो काम किया है तो फिर डर किस बात का? नहीं देखिए हम लोग इस बात को लेकर के तनिक भी भयभीत नहीं है या तनिक भी, हमारे लिए उसकी प्राथमिकता नहीं है। समझिए जो आदमी जिस माइंडसेट का होता है उस तरीके का वो कॉन्सेप्ट डिजाइन करता है। हमारे लिए ये चीजें महत्वपूर्ण है ही नहीं कि हम किसी जाति विशेष को या जाति आधारित राजनीति को हम प्रोत्साहित करें और उसको हम किसी विशेष योजना से उसको हम लाभान्वित करें। तो इसलिए हम उस जाति व्यवस्था को लेकर के हमारा स्टैंड बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, या यूं कह लीजिए कि हम उसके बहुत फेवर में नहीं है। हमको ये लगता है कि संवैधानिक रूप से समाज अगर चार श्रेणी क्रम में बटा हुआ है तो उस श्रेणी क्रम में जो जितना जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल रही है। और हम किसी भी योजना को बनाते समय इसी बात का सिर्फ ध्यान रखते हैं कि वो योजना अधिक से अधिक बगैर किसी जाति के केंद्र में या बगैर किसी जाति की श्रेणी में आए हुए जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इसलिए हमारे लिए ये बात प्राथमिकता में नहीं है। और हम बतौर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो करने वाले लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का आधार है वो तो हम इनके प्रभाव से प्रेरित होकर नहीं करेंगे। जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, हमारा अपना एजेंडा है, हम अपने एजेंडे से अपनी राजनीति करेंगे। जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना रजनीश जी? जी ठीक है, हम ये कह नहीं रहे, जब उसकी जरूरत हम महसूस करेंगे तो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उससे ज्यादा प्राथमिक मुद्दे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे अभी हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता भी ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को आवास दे सकें। हमारी आवश्यकता के केंद्र में यह है कि हम अधिक से अधिक लोगों को एलपीजी कनेक्शन दे सकें। हमारी आवश्यकता यह है कि अधिक से अधिक गांव तक हम स्वच्छ पानी पहुंचा सकें। हमारी आवश्यकता यह है, हमारी प्राथमिकता यह है कि हम अधिक से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचा सकें। हम उन मुद्दों पर अभी काम कर रहे हैं और इनमें दो पर काम करते हुए हमको किसी जाति के उसकी आवश्यकता अभी नहीं महसूस हो रही। जब होगी तो फिर उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। खान साहब अभी आवश्यकता नहीं है बीजेपी को, ऐसी आवश्यकता दिख नहीं रही है क्योंकि अभी इनका फोकस दूसरी चीजों पर है, किसको बिजली मिल रही है नहीं मिल रही है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तमाम बातें यहाँ पर राय साहब ने कही है। खान साहब देखिए भाजपा ने क्लियर कर दिया है कि अभी जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, तो आप लोग शांत बैठ जाइए ना, फिर क्यों हल्ला कर रहे हैं? देखिए फिर से कहीं पंखा चलने की आवाज आ रही है, मित्र जरा चेक करा लीजिएगा आसपास। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने अगर ये जातियों की इंपॉर्टेंस रखते हैं और योजना भी ऐसी बनाते हैं, मैंने अभी अभी एक योजना का नाम लिया, नड्डा साहब ने स्पेशली कहा कि उससे उन्हीं जातियों ओबीसी जातियों को लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि आप ओबीसी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। लेकिन मैम बीजेपी जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन बैकवर्ड लोग जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, और ये बात पूर्णतः साबित हो चुकी है कि उनकी संख्या 60% के करीब है, जिसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा बैकवर्ड है,
वो इस बात को समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी या जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है कि उनको रियलाइज हो जाए कि उनकी ताकत क्या है, क्योंकि सरकार बनाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। और अगर उनके अधिकार देने की बात होती है, दिए गए हैं अधिकार, और फिर से स्थिति साफ करने की बात होती है, तो आज भाजपा को इससे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी सरकार ने इस चीज से मना नहीं किया, लेकिन भाजपा कह रही है हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और यही एक मूल कारण यह भी रहा भाजपा से अलग, नीतीश साहब का अलग होने का, क्योंकि वहां इनकी बड़ी खास पहल थी कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाए। क्यों क्यों आज आप पॉलिसी बना रहे हैं, आप अपनी पॉलिसीज में जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आप अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग में काफी कुछ चेंजेस कर सकते, आपका विजडम बढ़ जाएगा सरकार का। अरे हम लोग हार जाएंगे तो विपक्षी में रहेंगे, मगर आपका जातिगत जनगणना कराने से मुझे समझ ही नहीं आता इनका नुकसान क्या है। जीरो नुकसान है इनका। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2019 में विपक्ष को क्यों ऐसा लगता है कि अगर भाजपा जातिगत जनगणना कराती है तो भाजपा हार जाएगी, ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? बिल्कुल मैम, हार जाएगी। वजह बताइए। क्योंकि इन्होंने दो रन से 303 रन बनाए 30 सालों में, दो रन मतलब दो सीट से, वो सारे रन बेहतरीन पिच जो बनी थी मोहाली की, वो धर्म की ही पिच थी, वो विकास की नहीं थी, वो पूरी धर्म की पिच थी, जिस धर्म की पिच पर खूब रोलर चलाया अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, स्वामी चिन्मयानंद, लाल कृष्ण आडवाणी सबने चलाया, उनको बहुत बेनिफिट मिला, वो पिच ये छोड़ना नहीं चाहते। मैं अब पिच बदलने की बारी आ गई है, पिच बदलकर अधिकार देने की बात आ गई, लेकिन जो डिवाइड है वो बना रहे, जिसकी कोशिश ये करते आए हैं, क्योंकि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वो डिवाइड खत्म हो जाएगा। अरे जो 12% है 13% है उनकी क्या बात करना, उनकी क्या है, वो कौन सी सरकार बना देंगे, जिनकी ये बात करते हैं वो कौन सी सरकार बना देंगे, जिनको ये कहते हैं कि वो अलग है और माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, कौन सी सरकार बना लेंगे वो, बहुत गिनती बहुत हो जाएगी हिंदुस्तान में, तो 14% मिलेंगे, मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब बचे बाकी लोग, या तो आप मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको खारिज कराइए, तो हम भागवत की बात मान लीजिए कि भारत को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक उसमें भी हम ठीक है, और वरना जनगणना करा लीजिए, ठीक है। अरे आश्वासन ही दे दीजिए कि कराएंगे। राय साहब आ रही है, अनिल जी सारा काम तो सपा ने पूरा कर दिया कांग्रेस का, के संदर्भ राय साहब आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक जाति विशेष के एक कमेंट ले लूं मैं अनिल जी से, फिर वापस लौटती हूँ, आपके पास करना भी जरूरी नहीं समझा, एक मिनट सुन लीजिए राय साहब, एक कमेंट ले लूं अनिल जी से, फिर आपका रुख करती हूँ। अनिल जी आपकी कमी तो पूरी कर दी सपा ने, आपके पास तो बोलने के लिए कुछ बचा या नहीं? जी बहुत बेहतर तरीके से कमी पूरी कर दी है आपकी समाजवादी पार्टी ने। काजोल जी, समाजवादी पार्टी का अपना रुख अलग है, कांग्रेस सपा सारे लोग हम लोग आज एक मंच हैं इंडिया गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टंट है वो बिल्कुल क्लियर है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा ये तीसरी बात करना नहीं जानते। बड़ा अच्छा लगा राय जी से सुनकर कि इन्हें जनता की मूलभूत समस्याओं से सरोकार है, लेकिन जब भी किसी चैनल पर डिबेट्स होती है, मूलभूत समस्याओं पर होती है, तो इनके प्रवक्ता नदारद होते हैं। जनता की जो मूलभूत समस्या, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं होता। भरी बरसात में दलदल के बीच में स्टूडेंट्स निकलकर जाते हैं, ग्रामीण निकलकर जाते हैं, लेकिन वहां सड़कों का नाम नहीं होता। बिजली पानी की बात करते, दो दो चार चार किलोमीटर दूर से लोग पानी भरकर लाते हैं, इनके नेताओं से कोई मतलब नहीं, लेकिन वोट के समय पर ये ले केवल उनको बरगलाने का काम करते हैं। धर्म की याद दिलाते हैं, और आपको एक चीज और बता दूं, सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है सनातन सनातन का। जिसको अगर सनातन से नफरत है वो पाकिस्तान चला जाए,
भाई सनातन के कॉपीराइट आपके पास है, हिंदुत्व का कॉपीराइट आपके पास है, राम मंदिर का कॉपीराइट आपके पास है, जातिगत जनगणना कराने से जो पारदर्शिता आएगी, जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसको क्यों नहीं लाना चाहते? उस ट्रांसपेरेंसी को लाते बीजेपी का बिल्कुल खाका दो सीटों पर से मटकर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी कमेंट, रजनीश राय साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप। राय साहब अभी सपा के प्रवक्ता महोदय और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई अपनी बात रख रहे थे। आपने देखा होगा किस तरह से ये लोग कितनी बेबुनियाद बात करते हैं, कितनी बेबुनियाद बात है कि आप सड़क नहीं है, पानी नहीं है। आपको ये पता होगा काजोल जी कि यार एक एक जनपद को सिर्फ वाटर सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1.5-2 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस समय वर्तमान में चल रहे हैं। आपको पता होगा उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने कितने गैस सिलेंडर बांटे। क्या ये मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं आता है? क्या पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से सभी गांवों को बिजली पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य था और हमने उसको कमोबेश पूरा किया? क्या ODF को लेकर के हमारी जो संवेदनशीलता रही, जो हमने प्रयास किया, वो इनके संज्ञान में नहीं है या लाना ही नहीं चाह रहे हैं? किस विषय पर आप बात करना चाह रहे हो, किस फोरम से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप सोशल मीडिया की बात करेंगे, किसी टीवी चैनल की बात करेंगे, किसी भी माध्यम से अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी बातों को किस तरह से लोग स्वीकार करते होंगे और किस तरह से उसको खारिज करते होंगे। आज आप कह रहे हैं कि ओबीसी को लेकर के योजनाओं का अभाव है। अरे हम कह रहे हैं कि अगर ओबीसी की योजनाओं के बनाने में हमने कुम्हारों के लिए, अगर हमने चाक के संदर्भ में कोई योजना ले आई, चाहे कुम्हारों के लिए अगर हमने विश्वकर्मा योजना ले आई, चाहे बुनकरों के लिए हमने योजनाएं ले आई, क्या आप ये कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे? और आपने अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? और ठीक बात है कि आप इसको केंद्र के या भारत के उसमें संदर्भ में कह रहे हैं, आप कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या सपा की भी सरकार रही है, कितनी बैकवर्ड की आप बात करते थे, कितने आप बैकवर्ड के लिए आपने योजनाएं लाई हैं? आपके जहन में सिर्फ दो समुदाय के लिए आपने योजनाएं ली, और अगर योजनाएं आपने बैकवर्ड के नाम पर ले भी आई। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपकी चर्चाओं से ये साफ नजर आता है कि दो धड़े बटे हुए हैं। एक ये कि एक चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, दूसरा चाहता है कि जातिगत जनगणना ना हो। डर है दोनों ही तरफ, ये साफ नजर आता है, लेकिन जनता समझदार है। जनता सब जानती है कि क्या उसके हित में है और क्या उसका हित है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जातिगत जनगणना की बात लगातार हो रही थी और जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बवाल भी देश में देखने के लिए मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने फायदे